हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPIT। मैं हूँ विकास और आज हम बात करेंगे पोएम के बारे में। तो वो पोएम क्या है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है? वाज रिटन बाय अमेरिकन पोएट के द्वारा लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन 1922। ये जो पोएम है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है 1922 में। The poem is told from perspective of a traveler. Poem जो है traveler के perspective से लिखा गया है, जो क्या करता है कि जंगल में जो snowfall हो रहा है उसको रुक करके देखता है, and doing so reflects both nature and society. और इससे nature और society को reflect करता है। फिर शुरू करते हैं हम लोग पोएम को। तो पहला लाइन है, हुज वुड्स डिज आर आई थिंक आई नो। वुड्स का मतलब है कि छोटा सा लैंड जिसके ऊपर पेड़ पौधा उगा हुआ है। तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये जो वुड्स है वो किसका है वो शायद हमें पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, और उस वुड्स का जो मालिक है, ऑनर है, उसका घर पासी के गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, और वो मुझे नहीं देख पा रहा है कि हम यहाँ पर रुक करके उसके वुड्स को देख रहे हैं, उसके लैंड को हम देख रहे हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, और मेरे साथ जो छोटा सा घोड़ा है वो भी सोच रहा होगा क्या स्ट्रेंज है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। मतलब कि पोएट सोच रहे हैं कि उनके साथ जो घोड़ा है वो भी सोच रहा होगा कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है, चारों तरफ वुड्स और फ्रोजन लेक है, फ्रोजन लेक से घिरा हुआ है, ऊपर से शाम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पर पोएट रुक करके कर क्या रहे हैं? ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए सेट। तो क्या करता है उसके बाद कि जो घोड़ा है वो उसके ऊपर जो घंटी लगा हुआ था उसको हिलाता है, बजाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वो पूछना चाह रहा है शायद कि क्या कोई मिस्टेक है, क्या कोई गलती है। द वनली अदर साउंड्स ऑफ स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनिंग फ्लेक, और जो घंटी के का आवाज़ है इसके अलावा और किस किस चीज़ का आवाज़ है? विंड का आवाज़ है और जो स्नोफॉल हो रहा है उसका आवाज़ है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब कि कभी कहना चाह रहे हैं, पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जो वुड्स है लवली है, डार्क है, डीप है, बहुत सारा चीज़ इससे एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन हमको बहुत सारे प्रोमिस है जो कि निभाना है और बहुत आगे भी जाना है हमको। तो हालांकि जो पोएट हैं उनको रुकना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं उस वुड्स को, लेकिन वो उनको और भी आगे जाना है इसलिए वो रुक नहीं पाते हैं। तो ये रहा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग पोएम का समरी। द समरी थिंग्स द स्पीकर थिंग्स अबाउट हु ओन्स द वुड्स दैट ही और सी इज पासिंग थ्रू। स्पीकर सोचते हैं कि जो वुड्स है जिसके पास वो खड़ा है वो किसका है, शायद उनको पता है। हाउएवर द ऑनर्स होम इज फार अवे इन द विलेज, हालांकि जो ऑनर है उसका घर, मतलब वुड्स का जो ऑनर है उसका घर पासी के गांव में है, एंड दस ही इज फिजिकली इनकैपेबल ऑफ स्पीकर्स पाउच। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो ऑनर स्पीकर या पोएट के जो रुका हुआ है और उसको देख रहा है उसके उसको वो नहीं देख पा रहा है। द स्पीकर थिंक्स
हीज और हर हॉर्स मस्ट फाइंड इट स्ट्रेंज टू। स्पीकर को लग रहा है, मतलब पोइट को लग रहा है कि उसके साथ जो घोड़ा है, उनका जो घोड़ा है, उसको लग रहा होगा कि क्या स्ट्रेंज है कि हम यहाँ पर रुक करके, यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन नहीं है, ना कोई घर है, ना कोई यहाँ, और चारों तरफ से जंगल और फ्रोजन लेक से घिरे हुए हैं हम लोग, फिर भी हम जो पोएट हैं वो रुक करके कर क्या रहे हैं। ऊपर से शाम भी हो रहा है, अंधेरी रात हो रहा है, तो फिर रुक करके यहाँ पर पोएट कर क्या रहे हैं। ये कौन सोचता है? घोड़ा, उनके साथ जो होता है। द हॉर्स सेक्स द बेल ऑन इट्स हार्नेस, और फिर क्या करता है वो घोड़ा, घोड़े में जो घंटी लगा हो तो उसको हिलाता है, बजाता है। एंड इफ आस्किंग, एज इफ आस्किंग इफ द स्पीकर हैज मेड ए मिस्टेक बाय स्टॉपिंग। स्पीकर सोचते हैं कि, स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो जो घोड़ा है सोच रहा होगा कि क्या हम लोग यहाँ पर रुक करके कोई गलती किए हैं। The only other sound besides the ringing of these bells is that of the wind and falling snow. मतलब घंटी का जो आवाज़ आ रहा है, इसके अलावा और किस चीज़ का आवाज़ वहाँ पे हो रहा है? विंड का आवाज़ हो रहा है, प्लस जो स्नोफॉल हो रहा है उसका आवाज़ हो रहा है। Which the speaker listens to figures of goose drum. The speaker finds the woods very alluring, drawn both to their darkness and how vast and all encompassing they seem. However, the speaker has obligation to fulfill every elsewhere. Thus, though he or she would like to stay and rest, the speaker knows there are many more miles to go before that will be possible. मतलब कि यहाँ पर स्पीकर कहना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर रुक करके उस वुड्स को देखना तो चाह रहे हैं, रुकना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको और भी आगे जाना है, बहुत सारा चीज एक्सप्लोर करना है, इसलिए वो रुक नहीं पाते हैं। तो ये था क्या, समरी ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। थैंक यू।